बाय बाय दे दो, बाय बाय दे दो। तो इतना खूबसूरत है। अरे क्यों शर्मिले कर रहे हो मुझे, तुम्हें हिंदी बुझो ना। वाह बाप रे, हाय बोलो तो। तुम्हार नाम टा की क्यूटी, ए क्यूटी क्यूटी, इतना खूबसूरत है ना, देख सकते हो। सभी मैम्स लोग हैं तो मैम लोग सब बात करेंगे। ये सभी मैम्स ऑर्गेनाइजर है आर्ट्स का और डांस प्रोग्राम का। तो मैम सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्ते है, पहले नमस्ते आप सभी को। और आप सभी कैसे हैं? सब ठीक है ना, सभी अच्छे हैं। और मैम से हम जानेंगे, डॉक्टर मतलब गार्ड, गार्ड का जैसे मानेंगे आपको, डॉक्टर का जरूरत है हमारा इंडिया में ज्यादा से ज्यादा। और आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। वाओ, वो भी हमारे लिए देश का भक्त है, मतलब देश का रक्षा करने वाला है आर्मी। यस और नो? यस। तो देश के लिए क्या क्या करना चाहते हो? मैं देश को, हमारे हर देश को एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देना चाहता हूँ और हमारे देश को अटैक से बचाना चाहता हूँ। और हमारे देश को डिफेंड करना चाहता हूँ ताकि हमारा देश को कोई नुकसान ना पहुँचे। वाओ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है गाइस, देख सकते हो। सो गाइस, और मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे, देख सकते हो। तो सभी मैम्स लोग हैं यहाँ पे, तो बात करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। पहले तो मैम को नमस्ते, पहले नमस्ते। हाय, नमस्ते। और मेरा ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वैसे आप कैसे हैं फिलहाल अभी? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और आप लोग कैसे हैं सब? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त है। मतलब सभी व्यूअर्स लोग कैसे हो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सबको एक और नए वीडियो में स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ फाइनली आज हुजाई में, मतलब दशमबंधु बॉयज कॉलेज में। तो आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमारा आज 9 मई तारीख का दिन कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन है। तो इसी यहाँ पे आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, तो आप लोगों को गाइस दिखाएंगे। इसीलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। तो आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है अभी फिलहाल, तो देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं जाने वाला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे फाइनली मैं जा रहा हूँ, आर्टिस्ट कंपटीशन हो रहा है। तो मैम्स लोग हैं, मैम्स सभी लोगों को मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप कैसे हो पहले? अभी पढ़ाई कर रहे हो? मैट्रिक दी हूँ। अभी आर्ट कम्पिटिशन के लिए अभी टीचिंग कर रहे थे टीचर, बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसे ड्यूटी करते रहिए। और फिलहाल सभी स्टूडेंट्स लोग हैं, देख सकते हो गाइस, सभी लोग देख सकते हो। ब्रो पूरा ये क्या बना रही हो? और देख सकते हो, और एक सिस्टर कितना खूबसूरत से ये आर्टिस्ट कर रहा है अभी फिलहाल, देख सकते हो आप लोग गाइस। ये क्या बना रहे? पेर घास ना, ये नारियल घास, कोकोनट, कोकोनट। और देख सकते हो, और एक ये पर्वत बना रहे इसे। क्या है सिस्टर, आपका नाम क्या है? नेहा घोष। अच्छा है, तो देख सकते हो सभी लोग, वाओ सनग्लास लगा के देख सकते हो, इतना खूबसूरत से ये घर घर है ना, आप लोगों का घर सही ऐसा है ना, लाइक दिस सेम ऐसा ही। तो ये देख सकते हो, और एक सिस्टर है। तो कैसे हो पहले? बहुत ही अच्छे हो ना। ये क्या बना रहे हो? पर्वत, पहाड़, पहाड़ बना रही हो? वाह, कहाँ का पहाड़ ये? कार्बेलंग का है शायद, कार्बेलंग का होगा शायद। और देख सकते हो मैम्स लोग कितना खूबसूरत से ड्यूटी कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो और एक देख सकते हो बहन लोग, क्या बना रही हो आप? ये क्या है? नेचुरल, मतलब ये आप लोग का घर का है? पेड़ गाछ है। अच्छा, ये आप लोग का घर है क्या? ये आप लोग का घर है, मतलब किचन, किचन रूम है शायद। किचन रूम है, देख सकते हो। और ये पर्वत है, वाओ अच्छा है। और आप लोग का घर का सामने में मतलब बगीचा होता है ना फ्लावर का, वो कहाँ है? अभी तक नहीं है, बनाने वाला है अभी तक फिलहाल, ये देख सकते हो। और वैसे आपका गुड नेम्स क्या है? तितली दास। आप कहाँ से हो? जैसे अभी कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हो फिलहाल?
7 में, ठीक है। अच्छे से आर्टिस्ट कीजिए और देख सकते हो सभी लोग कितना खूबसूरत से आर्टिस्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी। और मैम लोग अभी बात कर रहे हैं अपना अपना क्या बात कर रहे हो? हमारे को तो नहीं, हमारा भाला लगते नहीं। वैसे आप कैसे हैं फिलहाल अभी? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और आप लोग कैसे हैं सब? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त है। मतलब सभी व्यूअर्स लोग कैसे हो? मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हुजाई से ही हूँ। हुजाई से है ना? हाँ। और आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्पेशली कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का आज जन्मदिन है ना, जी हाँ। इसीलिए शायद आज यहाँ पे मतलब आर्ट कम्पिटिशन। हाँ हाँ, मेरी बेटी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर। हम लोग भी संडे को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में रहिएगा। यस जरूर, क्यों नहीं, इसके ब्लॉग में रहिएगा। शाम के 7 बजे हम लोग का प्रोग्राम है। 7 बजे हाँ, संडे को। संडे को हाँ, सारा मदर्स लोग परफॉर्मेंस करेंगे, कुछ यूनिक होगा। शायद हुजाई में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है। और वैसे आप डांस करते हैं क्या? थोड़ा बहुत करती थी लेकिन अभी स्टॉप हो गया है। अभी ये तरंगिनी नृत्यालय से फिर से मैम हम लोगों को एनकरेज किया है कि हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं संडे को। मैम आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानेंगे ना? नहीं, हम नहीं मानेंगे। मतलब आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे लाइक दैट, मतलब हीरोइन का जैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। सही में सो मच, लाइक दैट ऐश्वर्या राय जैसे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू। ये मेरी बेटी है अमायरा। वाह वाह वाह, देखो नाइस। अमायरा से हेलो। हाय हाय, हेलो गाइस। हेलो गाइस, वैसे आपका नाम क्या है? उसका बहन है क्या? हाँ। तो और एक मैम है, तो मैम के साथ बात करेंगे फिलहाल अभी। तो मैम को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपको। कैसे हो मैम? और वैसे मैम का घर कहाँ पे है? मतलब आज डांस में आर्ट्स का कंपटीशन चल रहा है ना, इसलिए हमें कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और देख सकते हो आप लोग और दिखाएंगे। ये देख सकते हो सभी ब्रो लोग कितना खूबसूरत से आर्टिस्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी। ये गणेश है ना, गणेश का मोर है, देख सकते हो आप लोग। और ये क्यूटी सिस्टर कितना खूबसूरत से ये बना रहे हैं, देख सकते हो, ये देख सकते हो। हाँ। और एक आंटी मौजूद है यहाँ पे, तो मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप कैसे हैं मैम? ठीक है ना? अभी फिलहाल डांस करेंगे ना आप लोग, ग्रुप डांस? नहीं, हम नहीं करेंगे डांस, नहीं करेंगे ना आज नहीं है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा और एक क्यूटी स्टार है, तो उसके साथ बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शर्मिला करते हैं, देख सकते हो अभी फिलहाल। तो कैसे हो पहले ये देख सकते हो स्टार, ज़्यादा शर्मिला करता है ये, देख सकते हो गाइस। उनको आइसक्रीम खिलाएंगे, अभी आइसक्रीम खिलाएंगे, ये पाइए आइसक्रीम खिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आइसक्रीम खिलाएंगे तुमको। नहीं नहीं नहीं, सुनो एक बार सुनो, उनको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। सुनो मैं ना उठ गया, तुम सुनो ना, सुनो ना, सुनो एक पप्पी दे दो ना, मुझे पप्पी दे दो ना। ये ज़्यादा शर्मिला कर रहा है अभी फिलहाल, देख सकते हो गाइस। और ये लोग भी है कितना खूबसूरत से, वाह ये भी ज़्यादा शर्मिला कर रहा है गाइस अभी फिलहाल, देख सकते हो। देखो कितना खूबसूरत से आर्टिस्ट कर रहा है। ये क्या बन रही है? ये कौन सा पैर घास है? ये कौन सा पैर घास है? कोकोनट। मतलब एक साथ दो पैर घास हुआ है, मतलब ये क्रॉस क्रॉसिंग होकर गए है, देखो गाइस। क्रॉसिंग मतलब ये क्रॉसिंग है, रेल लाइन के क्या क्रॉस लाइन हो चुका है फिलहाल अभी। और ये आम घास होगा शायद, मैंगो कहाँ है? अभी तो मैंगो लगा हुआ है ना पैर घास में फिलहाल, अभी मैंगो कहाँ है? मैंगो बनाइए नहीं है। और वैसे बहन का नाम क्या है? हाँ अद्रिजा। अद्रिजा आप कहाँ से हो? मुझे ना गुवाहाटी मुझे से। वाह अच्छा लगा। कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हो फिलहाल अभी? क्लास 8 में। ठीक है, अच्छे से आर्टिस्ट कीजिए। और एक बहन है साथ में, देख सकते हो तो कितना खूबसूरत से आर्टिस्ट कर रहा है ये। मतलब हिमालय का पर्वत बना रहा है ना, ये हिमालय का है ना, सिक्किम का है ना, केदारनाथ का है? केदारनाथ का है ना।
तो मतलब केदारनाथ जाना चाहते हो शायद, इसीलिए बना रहे हैं ना, देख सकते हो। और एक आंटी है, तो कैसे हो आंटी? ठीक है ना? आप कैसे? मैं बहुत ही अच्छा हूँ, एकदम ज़बरदस्त। इसलिए यहाँ पे हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, ऐसे करते हुए ड्यूटी कर रहे हैं अभी, ड्यूटी को निभा रही है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। सबके साथ बात करते हुए बहुत ही अच्छा लगा, तो देख सकते हो और आएगा भी आप लोगों को देखाएंगे। तो मैम को पहले मेरे तरफ से नमस्ते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। और मेरे ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वैसे आप कैसे हैं फिलहाल अभी? हाँ, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इधर। 162 इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का, तो इसीलिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन इधर हम लोग बहुत सारा एंजॉय किया है। आज अभी फिलहाल ड्यूटी में भी बिजी है सही, तभी क्योंकि बच्चे लोगों का कुछ प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हाँ। क्योंकि अच्छा है। और वैसे आपका घर कहाँ पे है मैं? हाँ, हुजाई पे ही है। जितना स्टूडेंट आया है आज, मतलब ये हुजाई का है ये या हुजाई से बाहर भी है? बाहर नहीं, हुजाई का ही है सब, सारा स्कूल का है। डॉन बॉस्को है, जेनिथ है, इधर जो जो है बेंगोली मीडियम, ये देशबंधु का है, और सारा बहुत ईस्ट पॉइंट है स्कूल, सब स्कूल से पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और अभी कंपटीशन में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलने वाला है? हाँ, एबीसी ग्रुप का है ये कंपटीशन, तो उसी हिसाब से उस लोगों के लिए क्या प्राइस वगैरह रहेगा? अच्छा, कब घोषणा करेगा ये प्राइस? आज तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन उस दिन होगा, संडे को। और ये है आपका कंपटीशन है, गाना है, डांस है, तो उस दिन ये। थैंक यू, इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैम्स को बहुत बहुत बधाई है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हो और मैम्स लोग हैं, तो बात करेंगे। और एक मैम है, तो मैम कैसे हो पहले आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी ये क्या है, ड्राइंग का है ना? हाँ, ये जो बच्चे लोगों ने अभी ड्राइंग किया है तो यही सबमिट किया है, मैं इसे लेकर खड़ी हूँ। हाँ, कलेक्ट कर रही हूँ सबका। मैम का घर कहाँ पे जान सकते हैं क्या? मेरा घर हुजाई में है, कृष्णा नगर। और ये आप घर में लेके जाएंगे और देखेंगे ना? नहीं, घर में लेके नहीं जाऊंगी, यहाँ पर जो जज आएंगे उन्हें सबमिट कर दूंगी। वहाँ पे देखते हैं आप लोगों को कौन सा अच्छा हुआ, उसी हिसाब से। हाँ हाँ, ये कितना मार्क है आपके? मार्क कितना है? ये तो अभी सस्पेंस है, ये नहीं बोल सकते क्योंकि नहीं, क्योंकि मार्क का होता है ये, जैसे कि हम लोग एग्जाम देते हैं टाइम कितनी मार्क का होता है, 100 मार्क का भी ऐसे होता है ना। हाँ, ये कितना मार्क का होता है? ये 100 मार्क्स का होगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। कैसे हो? अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं ना? हाँ। और अभी कौन सा क्लास में पढ़ा कर रहे सभी लोग? क्लास 7। क्लास 7 क्लास 4। अच्छा, कौन सा स्कूल में? स्कूल का नाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और सभी लोग आर्ट्स क्या है ना, आज आर्ट्स परीक्षा एग्जाम दिया है सही, तो आज आर्ट्स कैसा हुआ? बहुत अच्छा है। घर बनाया या पर्वत बनाया? नहीं, सीनरी बनाया। हाँ। मैंगो पेयर गाज बनाया? नहीं, मैंगो अभी मैंगो का टाइम है, सीजन है मैंगो का, मैंगो बनाना चाहिए था। कंटेंट अच्छा चल रहा है, तभी बनाना चाहिए। कंटेंट अच्छा चल रहा है अभी मैंगो का पेयर गाज बना, लेकिन खाने नहीं मिलता तो बनाए कैसे? खाने नहीं मिलता है मैंगो। कितना मैंगो आए आप लोग? आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्रुति पाल है। श्रुति पाल है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुझे से। वैसे बहुत ही खूबसूरत हो और ये बहुत खूबसूरत से स्माइलिंग कर रहे हैं, देख सकते हो गाइस। ये देख सकते हो, आपका नाम क्या है? स्मिति पाल। स्मिति पाल, वाओ, नाइस नेम है। और वैसे अभी पढ़ाई कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? 4। क्लास 4 में, वाओ। भाई बहन है आपके घर में? हाँ। कितना लोग है भाई बहन, कितना लोग? भाई तो 2 है और बहन 4 है। 4 बहन, ठीक है, अच्छा है, नाइस फैमिली। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई उड़ा करना। हाँ। आईपीएस बनना, ठीक है? आईपीएस, यस, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है। और नहीं, मैं तो सर्जन डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। और आप? नहीं पता। आप टीचर बनना चाहते हैं? नहीं, क्या? हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर, और तुम डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो डॉक्टर का जरूरत है हमारा इंडिया में। क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा हमारा इंडिया में मतलब बीमारी ज्यादा हो रहे हैं ना। हेल्थ इतना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? साइंस पढ़ना चाहिए। हां, साइंस पढ़ना चाहिए बस। साइंस लेगा नहीं, हम इंजीनियर होगा नहीं तो बैंक का चाकरी करेगा, साइंस तो लेगा ही नहीं भाई। ये साइंस से बहुत ही डरने वाला है, साइंस से मत डरो,
नहीं तो कॉमर्स में ले लो, बिजनेस करेंगे बैंक में जॉब करेंगे, ठीक है ना। कॉमर्स से नहीं डरती, साइंस से। हां मैं नहीं डरती, मेरा फेवरेट है ये साइंस लेकर। देखो ये हमारा आसाम का मतलब यंग गर्ल है, मतलब जोश है, काफी जोश है। ये इसलिए तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर डांटते है ना, वो नेगेटिविटी करते है ना। नेगेटिविटी क्यों करते हो? ये चीटिंग करते हैं। नहीं, झूठ बोलती है। झूठ बोलती है ना, लड़ाई कर रहे हैं। अभी लड़ाई करना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो गाइस। ऐसे अच्छे तरीके से हम दोनों कितना भी लड़े लेकिन बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहते हैं। मतलब पोस्ट दे दो, एक पोस्ट। हाँ, उदास क्यों हो ब्रो, उदास क्यों हो? सभी बहन लोग फोटो वोटो ले रहे हैं देखते हुए, उदास हो क्यों? नहीं। आज कैसा था आर्टिस्ट, कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा ना। वैसे आपका गुड नेम क्या है? नाम नाम अंकन। तुम्हारा नाम क्या है? अंकन है। अंकन है, मैं सुना कि अंकल है इसीलिए पूछा बार बार। कौन है तुम्हारा भैया है क्या? नहीं। कौन है? दोस्त। ऐसे कंधे कंधे मिलाओ, ये दोस्त है, देख सकते हो। एक्सेल में पढ़ाई कर रहे हो ना? कौन क्लास में पढ़ाई कर रहे हो फिलहाल? क्लास फाइव में ना, सभी लोग एक साथ? तुम नहीं, सेम स्कूल है हम लोगों का। सेम स्कूल का है ना। हाँ। क्लास फाइव में पढ़ाई कर रहे हैं ना। क्या बनना चाहते हो यूनिटिल सर? बिजनेसमैन। ओ गजब का बात है भाई, बिजनेसमैन बनना चाहता है, कितना अच्छा बात है। और आप? डॉक्टर। वाओ, ये भी बहुत ही अच्छा बात बोला, डॉक्टर। डॉक्टर मतलब गॉड, गॉड का जैसे मानेंगे आपको। डॉक्टर का जरूरत है हमारा इंडिया में ज्यादा से ज्यादा। क्या बनना चाहते हो? आर्मी। वाओ, वो भी हमारे लिए देश का भक्त है, मतलब देश का रक्षा करने वाला है आर्मी। ये सर नो? यस। ये तो देश के लिए क्या क्या करना चाहते हो? मैं देश को, हमारे हर देश को एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देना चाहता हूँ, और हमारे देश को अटैक से बचाना चाहता हूँ। और हमारे देश को डिफेंड करना चाहता हूँ ताकि हमारा देश को कोई नुकसान ना पहुँचे। वाओ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है गाइस, देख सकते हो। बस ये बच्चा का कितना अंदर का जोश है देख सकते हो गाइस, और ये जोश हमेशा रखा ना, ठीक है। हाँ। अब जाके आर्मी बन सकते हो। हाँ। और अभी यंग मतलब उम्र कितना होगा? 11 इयर्स। 11 इयर्स से इसका बहुत ही मतलब जोश है। तरीके से पढ़ाई कीजिए और आर्मी भी बनिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करके एक आर्मी बनो, ठीक है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ तुम भी बिजनेसमैन बनो और तुम भी डॉक्टर बनो। तो गाइस ये सभी लोग देख सकते हो, एक एक यूनिक बंदा है। और देख सकते हो इतना टाइम आप लोगों को देखा जाता है कि आर्ट्स और डांस में यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ था। और आज बेसिकली स्पेशली कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पेशली जन्म जयंती है, इसीलिए इसके वजह से आज आर्टिस्ट और प्लस डांस प्रोग्राम हुआ था स्पेशली। ये सब मैम्स, तो मैम से जानकारी लेंगे। तो आज का प्रोग्राम कैसा हुआ था? आज का प्रोग्राम अभी भी चल ही रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आर्ट कॉम्पिटिशन का कॉम्पिटिटर्स भी बहुत आए थे, बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छा। आप आर्ट्स का या डांस का ये ऑर्गेनाइजर है? एक्चुअली मैं डांस टीचर हूँ। हाँ, मेरा स्कूल का नाम है तरंगिनी नित्यालय। यहाँ में मैं 3 टाइप्स का डांस सिखाती हूँ, वो है रविंद्र नृत्य, कथक एंड नजरुल नृत्य, ठीक है। और मेरा सेंटर है बंगीय संगीत परिषद, और एक है लखनऊ घराना बंगीय संगीत, सॉरी भातखंड सेंटर, वो मेरा नहीं है लेकिन वो मेरा टीचर का सेंटर में मैं एग्जाम कराती हूँ, लेकिन बंगीय संगीत जो है वो मेरा खुद का है। खुद का है ना? हाँ। तो आज तो रविंद्र जयंती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्वकवि, उनका जन्मदिन है, तो हाँ उसी उनका खुशी के लिए आज ये सारे प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा। और मिस का कांटेक्ट नंबर देने से शायद कोई स्टूडेंट्स लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर ले सकते हैं ना? हाँ ठीक है, कोई अगर स्टूडेंट मेरा यहाँ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9864616093, तरंगिनी नित्यालय जोईतापार। थैंक यू सो मच इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैम्स को। तो और सारा मैम्स लोग है तो बात करेंगे, मैम्स लोगों को सब है मेरे साथ तो बात करने के लिए मैं फिलहाल कोशिश करूँगा। तो मैम को मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और पहले आपको नमस्ते। और वैसे आप कैसे हैं मैम? और फिलहाल अभी देख रहे हो, देखने को मिल रहा है आज यहाँ पे दशोबंधु में कितना काफ़ी खूबसूरत से ये आर्ट्स कॉम्पिटिशन हुआ और डांस भी हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आते हुए। और वैसे आपको कैसा लग रहा है? आज नाच डांस का थोड़ा प्रोग्राम हुआ और स्पेशली आज आर्ट का कॉम्पिटिशन हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो 162 इयर्स कंप्लीट हुआ,
बर्थ एनिवर्सरी का, तो आज आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ, मोर देन 400 स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट हुआ और बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने, पेरेंट्स लोगों और वॉलंटियर लोगों ने बहुत उन्हें हेल्प किया और अपनी मर्जी से एक सुंदर एक प्रोग्राम चलाया। आज का दिन का बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों का एक्सपीरियंस, और मिस के इतना सुंदर प्रोग्राम रखा, तो बहुत सारे बच्चे ने इसे पार्टिसिपेट किया और बहुतों को मौका मिला मिस के साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए, और आगे जाके हमारा गांधी विद्यालय और भी उन्नति करेगा, यही हम आशा रखते हैं। थैंक यू सो मच। और वैसे आज जो स्टूडेंट्स लोग एग्जाम दिया है, उस लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है? कॉम्पिटिशन हुआ है, जज लोग देख रहे हैं और उन लोगों का जजमेंट करके उन लोग 14 में शाम को देंगे। उस लोगों का कुछ प्राइज वगैरह रहेगा? प्राइज वगैरह नहीं रहेगा, नहीं, वो तो स्पोर्ट्स में बोलने वाला है। ठीक है, थैंक यू। और वैसे अगर कोई लोग स्टूडेंट्स लोग एडमिशन करना चाहते हैं तो अगर आर्ट्स में, तो यहाँ पे आर्ट्स में एडमिशन कहाँ लेंगे? आर्ट स्कूल तो गुजरात में बहुत सारा है, तो देशबंधु विद्यापीठ जो हमारा एक स्कूल है, पूना सिंह सर है, उधर कृष्णनगर में मैंगो गार्ड कॉलेज, उधर परिषद शुद्ध सर है, फिर नवकल्पा में है, नवकल्पा जो स्कूल है हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल, मानव सर है, पिंकी सर, पिंकी मैडम है, और मैं खुद एक आर्ट टीचर हूँ। अभी मैं स्कूल में हाँ नौकरी कर रही हूँ, और बेसिकली पहले मैं आर्ट सिखाती हूँ बच्चों को, उन्हें आर्ट स्कूल में बहुत दिन 6-7 ईयर्स में इंटरव्यू किया, ऐसे करते हुए। और मैम्स लोग है, और हमारा यूट्यूबर मैम्स कहाँ है? आप लोगों को कांटेक्ट दिया नंबर में, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे होंगे, और अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिए। और वो गाइस आज का वीडियो ये पे रोक रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, आप लोग अच्छे रहिए बने रहिए।